जिसका बर्थडे है वही आज मोमबत्ती जगाएगा। हमारे लिए ऐसा है, जो भी जिसका बर्थडे है ना उसको थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आ गया है, अब इसको आप सूखे बताओगे क्या होगा। चलो क्या है YouTube फैमिली, संदीप तलाविया ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और उसी के साथ हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और भाई सुबह के बज चुके हैं 9 और मंडे है और अधिक मास श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। तो चलिए आज तो हमारा पूरे दिन व्रत रहने वाला है, तो मेरे को तो कुछ खाने का नहीं है। तो चलिए रोहित भाई भी देख लीजिए, उठ के मस्त फ्रेश हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। तो आ चुके हैं किचन में और इधर देख लीजिए तलेली रोटी मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। उसी के साथ चाय भी बनाई है। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो भाई आज कल तो पूरे दिन से मेहमान आए थे, लेकिन वो लोग सोनल ने बनाया था, तो वो जाके नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लेना। और अभी पूरा घर खाली खाली लग रहा है, कल बगड़ा टी है थी घर में, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं ना घर में तो शैतानी करते रहते हैं, उतनी मस्ती में रमते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं, तो पूरा दिन ऐसा गया था। तो वो वीडियो सोनल ने लिया था। और बताइए दूसरा क्या है। हाँ मेरा दूसरा सोमवार है। तो चलो इन लोगों का तो ब्रेकफास्ट बाकी है, तो वो सब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर रोहित से पूछेंगे क्या है आज की न्यूज़ में। रोहित से मिलते हैं और बता दीजिए चलिए आज के न्यूज़ में क्या आया है। न्यूज़ में तो क्या है, वो अमेरिका और यूरोप देश में सभी जगह आपका प्रमाण बहुत बढ़ गया है, डिग्री का तापमान का हीट वेव हो गया है कि सारे यूरोप कंट्री और अमेरिका कंट्री में क्या हुआ है। कनाडा में जगन्नाथ यात्रा निकली और अमेरिका में यूरोप देश में क्या हुआ है कि 57 डिग्री तक तापमान चला गया है। तो वहाँ पे काफी सारे जंगल भी जले हैं, कई जगह पे ऐसा सब कुछ हुआ है। और तो अभी बारिश का मौसम है, कई जगह पे बहुत बारिश गिरी है ना। हाँ खेडूतों को नुकसान हो रहा है। हाँ वो नहीं होना चाहिए। तो सभी ऐसा है, बारिश पड़ती है वहाँ बारिश पड़ जाती है, धूप पड़ती है वहाँ पे धूप पड़ जाती है, और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बारिश नहीं आती है। अभी क्या हुआ है कि सारी सृष्टि का संतुलन पर्यावरण के हिसाब से ना वो हो गया है। दक्षिण कोरिया में तो सभी जगह पे भूस्खलन और बारिश का ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो अभी हम थोड़े वो तो एलन मार्क्स का कुछ बता रहे थे, उसने मार्क्स का नहीं है आपन, उसने भी अनुभूति की ऐसा कुछ बोल रहे थे कल के इंस्टाग्राम में कुछ मेरे ऐसा न्यूज आया था। तो अमेरिका में भी भूकंप जैसे ही सभी जगह पे अभी ऐसा हो रहा है, पहले ऐसे आंधिया बांधिया बहुत कम आती थी, अभी धीरे धीरे जैसे ही पर्यावरण का संतुलन खोल रहा है ना एसी के साथ सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो चलो हम तो भगवान से पे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो नहीं होगा ऐसी पे करेंगे। हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहे हम पे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे जैसा हो सके इतना कम हुआ है। और हम इधर से जाते थोड़ा सा हमारा काम है वहाँ पे, तो चलो मिलेंगे दोपहर के बाद। तो दोपहर के बज चुके हैं और आ चुके हैं घर पे, तो देखते हैं खाने में कहां तक पहुंचा है। खाने में इन लोगों को खाने वाले हैं कल का काजू करी की सब्जी और रोटी, और हमारे लिए बन रही है सिर्फ खिचड़ी, क्योंकि मैं आज हल्का सा ही खाऊंगा। कौन सी खिचड़ी बनाई है, मोरैया की क्या है, वगारेली। तो चलिए आज सोनल का है बर्थडे, तो उसको पहले बोल देते हैप्पी बर्थडे। तो क्या है आज बर्थडे का है, तो क्या हमको चॉकलेट वोकलेट तो खिलाओ। तो चॉकलेट तो हमको खिलाओ, बर्थडे गर्ल्स है आप तो हमको चॉकलेट खिलाओ।
और चलिए बोलिए आज आपको क्या लेना है या कहाँ पे जाना है। चलो तो कहाँ पे कुछ कहाँ पे भी नहीं जाना है नहीं। ऐसा क्यों? बस करे घर पे ही। तो रात को क्या खाओगे आप? वो हम लेके आएंगे। ऐसा है तो भाई ऐसी बर्थडे गर्ल तो कोई मिलेगी? इसको सब कुछ हमने ऑफर दिया है लेकिन सब कुछ ठुकरा रही है। इसको घर पे ही रात को खाने का है। फिर आप लोग बोलोगे कि आप लोग ले नहीं गए तो हम तो ले जाते हैं। इसको नहीं जाना है। और हाँ, सब लोग विश करो सोनल को हैप्पी बर्थडे लिख के। आज 200-300 कमेंट करना कर डालो विश करके, है ना। और क्या बोलना चाहते हो आपके बर्थडे के दिन आप सब लोगों को? શું કેવું રહ્યા? કેવું કહેવાનું? કઈ નઈ, આજ આવી જ રીતે વિડીયો બધા જોતા રહો, કમેન્ટ કરો સારી સારી, તમને બધાને કેવા વિડીયો ગમે છે તે અમને લોકોને કહો તો અમને ખબર પડે, તો તેવા વિડીયો તમારી માટે અમે ટ્રાય કરવી ડીઝ નવા બનાવવાનું। હા તો ભાઈ સોનલ ને બોલ દિયા હે આજ વો બર્થડે ગર્લ હે તો ઉસકો સપોર્ટ કર દો। ઓર અભી થોડા ટાઈમ હે ખાને ખાને મે ઓર સોચતે હે રાત કો ક્યા કરતે હે વો સબ। ઓર અમારે ભાઈ આપ ક્યા બોલના ચાહતે હો? अभी तो मेरे को भूख लगी है। आज तो खाने का है तो चलिए पहले खा लेते हैं खाना। बज के 20 मिनट हो चुके हैं और आ चुके हैं घर पे। और रास्ते में से लेके आए थे ड्रैगन फूड, तो पता चला कि अभी उसका नाम कभी से चेंज हो गया है। फिर भी हम ड्रैगन फूड ही बोलते थे और अब इसको बोलते हैं कमलम फूल। सभी को पता ही है। और देख लीजिए मैंने किलो लिया, अभी 180 के किलो दाम चल रहे हैं और किलो में दो ही आया है। एक एक 500-500 ग्राम के है। देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अभी खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। और देख लीजिए भाई बर्थडे गर्ल भी अपना काम काज कर रही है, रूटीन का कपड़े सही कर रहे हैं, है ना। आज तो आऊँ से नया कपड़े बढ़िया बहुत फाइन लगे सर। कुर्ती क्या थी ली जाए भी? है कितने की? 200-150 कितने की आई है? 350 की। 350 में तो कुर्ती अच्छी है, है? तो चलो पहले तो मैं खा लेता हूँ अपना फ्रूट। तो शाम के बज चुके हैं और सोनल का बर्थडे है ना, तो हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। कौन सी केक लेके आते हैं वो देखते हैं अभी हम। तो मोंजिनेस केक शॉप पे पहुंच चुके हैं। इसमें से आपको कौन सी केक पसंद आई वो कमेंट करके बताना। और जो मैंने केक लिया वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा। तो केक लेके आ चुके हैं वो, तो आप पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि जो केक लिए वो वीडियो में हमने नहीं डाली है। और जो वहाँ पे थी वो मैं सब डाली है। तो आपको मुझे ये वाली पसंद आई है, आप कॉमेंट करके बताना आपको कौन सी केक पसंद आई थी। और दूध गर्म करने के लिए रख दिया है सोनल ने, तेरे लिए केक आ चुकी है। तो देखनी है तेरे को कटिंग कर तो ऐसा है। तो अभी उसकी टेप लेना जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे को डेकोरेशन भी करना है। तो थोड़े बलून सब आ चुके हैं। अभी 2 टेप कहाँ पे मिलेगी? स्टेशनरी पे मिलेगी? ऐसा है। तो अभी क्या करेंगे? 2 टैप के बिना कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? एक भी सब लेके घर पे आ गए, टैप लेने दिया था लेकिन इधर आसपास में कहीं मिल नहीं रहे तो उसका तो जुगाड़ कुछ करेंगे। तो अभी ये बर्थडे का पूरा डेकोर का सामान लेके आ चुके हैं, इसको खुलाने का है। तो ये सब खुला के फिर कैसे लगाते हैं? मैंने अभी तक किसी भी बार मैंने डेकोर किया नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं पर मैंने किया है लेकिन आज मैं पहली बार खुद सब कुछ डेकोर करने वाला हूँ। तो देखते हैं किस तरह से डेकोर करते हैं ऐसा सब कुछ, क्योंकि मैंने कभी कभार किया नहीं है तो पता चलेगा कैसे होता है। तो इसको भी फुलाना पड़ेगा, अभी सभी एक एक करके इसको ऐसे इसमें डाल के सभी फुलाने का है। ये जो काम है ना वो बहुत हार्ड वाला है क्योंकि सभी को फुलाने का है, फिर वापस से उसको निकाल के रखना पड़ेगा। तो ऐसा सब कुछ है। तो पहले थोड़ा सा देख लो मैं किस तरह से फुलाता हूँ, उसका सिनेमेटिक सब लेंगे वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर जैसे जैसे डेकोर करते जाएंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। Thank you.
तो बर्थडे का जो था वो तो मैंने सारा फुला दिया है अभी, और अभी मैंने फोन किया है मेरे बहन को और पटेल को, वो भी आ रहे हैं, वो आएंगे फिर हम केक कटिंग करेंगे, उससे पहले वो आ जाए तो हेल्प करेंगे हमें, हमको डेकोर करने में, वरना तो मैं करने ही वाला हूँ डेकोर, तो वो देखते हैं कब आते हैं, और धीरे धीरे अभी डेकोर करने का स्टार्ट करते हैं। बलून हमने ये वाला तो सारा फुला दिया है, अब धीरे धीरे बलून फुलाएंगे, बलून फुलाने में भी बहुत टाइम लगता है, उसे फुलाते हैं तो मुँह लगता है, और अभी फुलाते फुलाते बलून काफ़ी सारे फूट भी जा रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो इसमें तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ये गाइस तो से बस के 45 मिनट हो चुकी है और आधा घंटा चला गया है सब फुलाने के लिए, और अभी एक तोरण कहीं से हमको मिला था पुराने बर्थडे का निकला था, तो अभी वो इधर लगाएंगे और सारे बलून हमने फुला दिए, ज़्यादा बलून नहीं फुलाएंगे क्योंकि कोई बच्चे भी नहीं है तो फोड़ने वाला भी कोई नहीं है, तो ज़्यादा बलून लगा के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो जल्दी जल्दी डेकोर करेंगे क्योंकि राधिका और पटल भी आ रहे हैं, और फिर ऐसा सोच रहे हैं कि रात को हम कहीं बाहर खाना खाए नहीं जाए, तो वो भी देखते हैं कि कहाँ पे खाना जाने वाले हैं, क्या खाएंगे वो सब देखेंगे, तो पहले अभी मैं सारा इसको डेकोर किस तरह से करूँ ना वो सजेस्ट कर वो देख रहा हूँ मैं किस तरह से लगाऊँ, तो पहले वो मैं करते तो हमारी बहन भी आ चुकी है क्योंकि मेरे से अकेले से डेकोर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको बोला लेता हूँ तो वो डेकोर करने में मेरी हेल्प करेगी, तो चलिए अभी हम इतना सा मैंने किया है सब फुला के तो रखा है, और हमारे पटल भी आ चुके हैं, हाँ उसको डेकोरेशन करने का बहुत अच्छा आता है, तो मैं बोलूँगा कि हमें सजेस्ट करें, तो चलिए पहले डेकोर करते हैं। हम हैप्पी को और बर्थडे को एक एक लगाने वाले थे, तो अभी ऐसा सोचा है कि दोरी लेके उसमें डाल देंगे, तो किस तरह से होता है देखते हैं, अभी ये आइडिया हमारे पटल ने हमको दिया है, हाँ पटल को ये डेकोरेशन करने का अच्छा आता है, तो अभी देखते हैं, वरना हम एक एक लगाने वाले थे, तो क्या करते हैं देखते हैं, डेकोरेशन का स्टार्ट करने का है, जिसका बर्थडे हो 2000 रुपये ले लेने का रूम डेकोर कर देने का। फाइनली काफ़ी सारी मेहनत के बाद हमने डेकोरेट किया है, हमारी तो मेहनत कम थी, हमारे पटल ने मेहनत ज़्यादा की है क्योंकि उसको अच्छे से सब डेकोर करने का आता है, तो देख लीजिए इस तरह से थोड़ा सा हमने डेकोर कर लिया है, और ये तो डेकोर करने का किसी को आता नहीं होता है, लेकिन जब टाइम आ जाता ना तो आने लगता है, हम कभी भी डेकोर नहीं कर रहे थे, फिर आज बर्थडे था इसलिए हमने भी ट्राई की, तो ऐसा सब कुछ है, तो चलिए मोंजिनस की केक भी आ चुकी है, तो भी थोड़ी देर के बाद केक भी कटिंग करी, रोहित भाई क्या बोलना चाहते हैं बोलिए, आवड़ी जाए लगन था एटले हमने, और ये सभी के लिए चॉकलेट भी लेके आई है सोनल, सुबह मैंने बोला था हैप्पी बर्थडे बोला था लेकिन मेरे को चॉकलेट नहीं दी थी, इसलिए वो चॉकलेट लेके भी आ चुकी है, तो अभी राधिका आएगी तब वो नीचे गई है कुछ ढूंढने के लिए, फिर उसके बाद केक बेक सब कटिंग करेंगे। गाइस तो अभी केक आ चुकी है, तो राधिका ने गिफ्ट दी है सोनल को चॉकलेट, तो सोनल भी खाएगी, मैं भी खाऊंगा, रोहित भी खाऊंगा, हाँ चॉकलेट ऐसा है देने का, चॉकलेट सब लोग खाते हैं भाई, चॉकलेट खाना भी जरूरी है, इसमें कुछ ऐसा आता है ना वो हमको शरीर में मिलता है, डार्क चॉकलेट खाना चाहिए, टेंशन बेंशन हो ना तभी, तो चलिए तो केक लेके आ चुके हैं इस टाइप से, तो पूछते हैं केक कैसे लगी आपको, केक कैसे लगी, तो वो रख दे ऐसे नहीं डेकोर में कैसे लगी, और बलून निकल गया है वो थोड़ा सा लगा दो, सोने की केक लेके आए हैं हम आपके लिए स्पेशल बनवाई है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा ना इसलिए मैंने ये लेके आया, वरना वहाँ पे काफी सारी केक थी,
तो अभी ये बलून ऐसा हो रहा है, लगाया था फिर निकल जाता है, लगाते हैं फिर निकल जाता है। थोड़े देर रुक, उसको तो बैठने दे, फिर करते हैं चालू। तो जिसका बर्थडे है वही आज मोमबत्ती जगाएगा। हमारे में ऐसा है, जो भी जिसका बर्थडे है ना उसको थोड़ा सा जो करना हो कर सकते हैं। दूसरी भी जगाइए साथ में। तो दोनों कैंडल जगा दिए अभी। बोले हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा लग रहा है ऐसा ही हुआ होगा। नहीं कोई बात नहीं, बाद में दूसरी जलाएंगे तो बारी। हलो चलिए, दोनों एक साथ हो चुकी है और वो बुझ चुकी है। तो अभी कैंडल तो फिनिश होने दो, कैंडल हो गई फिनिश। अभी काटेंगे हम केक। तो चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए केक काट लिए। तो अभी बारी बारी सभी का टर्न आएगा, केक खाने के मिलेगा। और चलिए जल्दी से अभी ये फिनिश करिए, क्योंकि फैन कभी से बंद है, सब लोगों को गर्मी हो रही है। तो पहले थोड़ा सा अभी वीडियो ले लेना, फिर उसका फोटो खींच लेना, ऐसा करना। ये राधिका और पटेल का टर्न आएगा। चलिए सब लोग बैठ चुके हैं। बारी बारी अभी सभी लोग केक खिलाते हैं। आज तो इसको मजा पड़ जाएगा केक खाने में। हमारा आज क्या है, सोमवार है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सोमवार आज टूटने वाला है। मैं अधिक मास का भी मुझे पता है, लेकिन मैंने अधिक मास का भी कभी कभार मैं रह लेता हूँ। तो चलिए, रोहित भाई का टर्न आ चुका है ऐसा। हाँ तो उसके बारे में फिर बात करेंगे, पहले इसका बर्थडे तो हमको रोहित भाई का फोटो खींच लेता हूँ पहले। हम सोनल के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, उसको आंख बंद करके पूछते हैं कि क्या लेके आए होंगे। वो डिसाइड करेगी, फिर देखते हो क्या क्या डिसाइड करती है। तो चलो आंख बंद करो पहले आप। चलो तो आ गया है, अभी इसको आप सू के बताओगे क्या होगा। चलो क्या है, बॉक्स है सोना नु। तो अत्यारे सोनू के वो नहीं है। तू कब से मेरे को बोल रही थी कि मेरे को कुछ लेना है, वो है क्या है बता। चल वॉच ले ली थी। हाँ तो देख ले, वॉच ही है तो देख लीजिए। अभी इसका ट्रेंड चल रहा है वॉच पहनने में, पहले वॉच पहनते हैं उसके आगे कड़ा होता है, ऐसी वॉच है। और सभी पटेल ने डेकोर किया था और सभी बलून उसने फोड़ दिए। अभी इसको भी निकाल देंगे, फैन चालू किया ना तो ये बिखर गया है, तो अभी इसको निकाल के वापस से रख देंगे सही से। तो ये था हमारा बर्थडे और हो चुका है फिनिश। तो अभी सब लोग केक खाएंगे हम थोड़ी थोड़ी। और पूरी सोने की केक थी वो तोड़ दी है इन लोगों ने, सोना बहुत महंगा है, आपने केक भी तोड़ दी। तो अभी ये डेकोरेशन फिर से हमको क्या बोल रहे हैं बिखरना पड़ेगा। और केक भी खाएंगे, फिर रात को हम बाहर डिनर करने के लिए जाएंगे। अभी वो सोचना है कि हम क्या खाने जाएंगे। क्या खाने जाना है बोलिए, चलो क्या खाने जाना है, तेरे को क्या खाने जाना है ये वो, ऐसा कोई होता नहीं। अभी हम सभी खा के आ चुके हैं। अभी कल हमने काजू करी घर पे खा लिया, उसके पहले हम ढोसा खा के आए। तो आपको जो खाना है, हमारे वहाँ मेहमान आते हैं ना उसको हम पूछते हैं कि क्या खाना है। ऐसा है तो अभी सेलिब्रेशन में ये लोग आए तो हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे जाते हैं, डिसाइड करके आपको बताइए। तो सब कुछ डेकोरेशन था वो बिखर दिया है और आधा भी है, ये देख लीजिए रियलिटी। बर्थडे के बाद सब कुछ उसको ही करना पड़ता है वीडियो। એવું ન હોય, હવે આ બધું કઈ બધું અમે કરવી તો તમને કેટલું આ ડેકોરેશન કરી દીધું, હવે કાઢવાનું જેનો બર્થડે હોય એને હોય। તો એસા સબ આ બર્થડે કી ગિફ્ટ તો દીએ, તો અભી એસા હે કે સબ કુછ ડિસાઈડ કર લિયા હે, ઢોસા ખાને કા બોલ રહે હે। તો ચલિયે કહાં પે જાતે હો દેખ લેતે, વો કોઈ બાત નહીં, ખાને જાના ગયા હે ઢોસા। તો રાધિકા કો ક્યા હે, ચારકોલ ઢોસા મે ખાને કો જાના હે, તો વહાં પે જાયેંગે। तो आ चुके हैं डोसा खाने के लिए और बैठ चुके हैं, अभी हम देंगे ऑर्डर।
तो देखते हैं क्या मंगवाते हैं सब लोग। तो चलिए तो सोनल मेनू कार्ड देख रही है क्या मंगा रही है। हाँ पसी बीजू पिज्जा पेपर डोसा और कोल्ड ड्रिंक्स। तो हम जो टेबल पे बैठे थे वहाँ पे बहन पोछा नहीं लगा तो टेबल चेंज कर दिया, तो अभी दूसरे टेबल पे आ चुके हैं और ऑर्डर दे दिया है, देखते हैं ऑर्डर में क्या। चलिए तो ऑर्डर आ चुका है मैसूर आदि का और पटल का। और रोहित भाई ने क्या मंगवाया घोटाला। रोहित का घोटाला आ चुका है, सोनल ने भी घोटाला मंगवाया। मैं सिर्फ एक पेपर खाने वाला हूँ, मेरा वर्त तीन लोगों ने आज तोड़वा दिया है कि आज खा लो तो हम खा लेंगे। अभी मैं रहा था ना इसलिए ऐसा है। चलिए फिर भी आज लपेट लेते हैं। नेक्स्ट हमने पिज्जा पेपर ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है, अभी इसका ट्रेन चल रहा है। पहले जिली रोल खा रहे थे, अभी पिज्जा पेपर खाने का स्टार्ट किया। शाम के बज चुके हैं 9:30 और खाना खा के हम आ चुके थे, फिर थोड़ी देर बैठे थे। अभी पटल और राधिका जा रहे, आओ जो तो राधिका जा रहे तो उसको रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट दे देते। हारू वालो आओ जो, हाँ आओ जो। तो चलिए गाइस अभी मेहमान तो चले गए हैं और थोड़ी घर की साफ सफाई करने का बाकी है वो करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मुझे काम है तो वो करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दो। और कमेंट में सोनल को विश करना, कौन कौन लोग विश कर रहे हो मैं देखूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद। बाय बाय।